हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दशहरा। और अभी सुबह सुबह का हमारे घर का माहौल हो रखा है काम का। कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या, मतलब चारों अलग अलग काम कर रहे हैं। सो मैं सोची अभी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ क्योंकि आज दशहरा है तो नया बेडशीट बिछाया जाए। तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम का बेडशीट चेंज। फिर इसके बाद क्या क्या रहता है आपको दिखाएंगे। अभी तैयारी करनी है, खाना बनाना है, रेडी होना है, बहुत सारा काम है आज। तो यस, अभी मैं पहले बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर बेडशीट चेंज करके आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी बेडशीट बिछाई है। यस, तो गाइज़ मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। एंड इसके साथ ना ये छोटा वाला भी कुशन है। सो यस, परफेक्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर नहाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को, आपके परिवार को दशहरा का बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने पिछला व्लॉग किया था तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू उसके लिए। मैंने सोचा कि दोबारा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, मतलब ब्लॉग किया जाए। अपने आप को काफ़ी हो गया कि नहीं भाई बनाना चाहिए ब्लॉग, अच्छा है, आप लोगों का प्यार मिलता है, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो उसके लिए फिर मैं, आज का दिन क्या स्पेशल है क्योंकि हमारे उसमें दसई होता है, परिवार के साथ मिलना, बहुत ही मतलब कि लोग इधर उधर रहते हैं तो आज के दिन सारा परिवार मिलता है, सेलिब्रेट करते हैं, टीका वगैरह लगाते हैं। आज का दिन इसलिए खास है और मैं जा रहा हूँ घर में, तो अभी काफ़ी बिजी शेड्यूल में भी एक दो दिन तो घर वालों के लिए निकालना ही चाहिए, तो फिर इसके लिए तो मैं अभी निकल पड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेम साहब। दीदी वर्ग अभी थोड़ा सब्जी सब्जी का काम कर रहे हैं। आज क्या है दीदी? दसई। आज दसई तो हम सारे पकवान बनाएंगे, खाएंगे और शाम को एंजॉय करेंगे। यस, हैप्पी दसई। सेम टू यू, आप सभी को बहुत बहुत दसई की शुभकामनाएं और भगवान सबको खुशियां दे, फूले फले हाँ। और आगे बढ़े, परिवार बढ़े। दसई में हमारे चार लोग हैं, हम लोग चार दसई मनाने वाले आज। हाँ, अब पता है, अब नीरज को तो पता है छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, क्या पता 5 दिन में फिर भी मिल जाएगा, तो टीका लगाने आ जाए, है ना। मम्मी लोग तो कब से बोल रहे थे कि नीरज को पूछो 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 छुट्टी का क्या है। पर फौज में तो दशहरा बहुत बड़ा त्योहार है दशहरा। तो अभी हमारे यहाँ भी टीका लगाने आ रहे हैं बुआ वगैरह। हाँ, सभी मासियों को तो पता नहीं, वो शायद रात को आएंगे क्योंकि सबके घर में सुबह लगता है। हाँ, वही तो यहाँ पे क्लोज है इसलिए बोलते हैं हम दिन में लगा लें। मैंने ठीक है लगा, तो उसको मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रवीना को लगाया है मैंने सब्जी काटने के लिए, और तुम्हें वो टीका तैयार करो। वो करूँगी मैं। और मेन चीज़ तो ये है कि नीरज अगर दूर होते तो फिर अलग बात है, पास में थे और ऊपर से फिर अभी आए नहीं तो वो थोड़ा बुरा लग रहा है ना। हाँ, इसलिए वो पहले बेचारा पिछले संडे आ गया था। हाँ, अब ऐसा नहीं, ये आर्मी की जॉब है। हाँ, है ना। और आर्मी में हमारे जीआर में, हाँ, हमारे जो गोरखाली में ना दशहरा बहुत बड़ा, हाँ, मतलब त्योहार है ये। हाय हाय, मुझे इतना पैदल चला दिया। हाँ, ये मेरे पप्पले तो थक गया मैं। मम्मी फोन में बात कर रही है, रुक जा एक मिनट। अच्छा, सरप्राइज। क्या कर रही है? मैंने बोला था बता दे रहा, बताया नहीं, बताओ। मैं सरप्राइज देना था मम्मी लोगों को। नहीं, पर मेरे को पूरा था कि भाई तुम्हारे तो अब सेंटर में भाई प्रोग्राम बहुत तगड़ा चलता है। हाँ, तो ये दसवीं का त्योहार है भाई, छुट्टी तो मिलेगी नहीं। वीडियो बनानी शुरू कर दी पहले। अच्छा, छोटा बच्चा बेचारे सरप्राइज देने के चक्कर में नीरज को मैंने बोला गाड़ी नीचे रखो, अब फिर दोबारा लेने जा रहे। चलो, कौन सा, मेरे को पैदल आना है, गाड़ी में आऊंगा इस गाड़ी। चलो ठीक है, जाओ जाओ लेके आ जाओ। क्यों तू दिन प्रतिदिन स्मार्ट होके आता रहता है? तेरे को क्यों जलन होती है? तो जलन मत क्या कर लड़की, तू जितना जलेगी मैं उतना सुंदर होता जाऊंगा, ठीक है? ओ भाई, एटीट्यूड लेवल पापा। हंसते हुए आ रहे, हंसते हुए। मेरे को पता था नीरज आने वाला।
पापा है। कैसे बताया था आपको? मेरे को बिल्कुल नहीं बताया। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। सबको सरप्राइज देना था। आपको कैसे पता था? मेरा दिल बोलता था मेरा बेटा आएगा। ओह माय गॉड। और किसी को भी नहीं लगा था? मम्मी को भी हल्का हल्का था, पापा को तो पूरा ही था। अरे तो भाई बैग बुक निकालो। बेचारे पापा मुझसे कब से पूछे थे नीरज आएगा नीरज आएगा, मैंने ना ना बार बार पूछे जा रहे। बाजार गए थे। सुखी रहो। हैप्पी दशहरा आपको भी भाई। दशहरा मनाने आ गया मैं। आ गया वो। इधर आ इधर बड़े क्या मेरे लिए गिफ्ट लाया हो गया क्या? मैं आया वो कुछ नहीं है तुम्हारा गिफ्ट। तुम्हें गिफ्ट हो मेरे लिए। तुम्हें गिफ्ट हो। चाय। थैंक यू। एक आपके लिए एक मेरे लिए। अच्छा तुम्हारे लिए भी है। क्या मैं ना पियूं? नहीं नहीं पियो, अच्छे से पियो। चाय पीते हैं साथ में ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ढोका पूजने का कार्यक्रम। मेन जो ये अपना एंट्री जो होता है ना। हाँ। ये मेन हमारा दरवाजा है। हाँ। तो इसको हम हर साल ऐसे पूजते हैं दशहरे में ना। हाँ। ये गाय का गोबर है ना। इसमें ये ऐसे जमारा रख के एक सिक्का ऐसे पूजा किया जाता है। ये पिछली बार लगाया था ना ये वो है। अब इसको निकाल के अब ये नया वाला लगाएंगे यहाँ पर। आज दशहरा है तो इसके सेलिब्रेशन में क्या क्या बना रहे हो भाई आज? आज हाँ देखो क्या है पर इतने बड़े डेक्ची में क्या है ये? चिकन। ओ माय गॉड चिकन है ये। और यहाँ पे ग्रेवी रेडी हो रहा है। ग्रेवी किस किस का? इसी का ही है? गोभी आलू के लिए। अच्छा गोभी आलू के लिए। मम्मी क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ अपना गोरखाली चटनी जो तिल की आलू की। हाँ। अच्छा पता ही है सबको है ना वही। आप क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ काम चल रहा है कि नहीं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चल मेरे नमक में छिड़क आके यहाँ काम कर। हमारी अभी दोनों की बैंड बज रही है ना। वही तो यार सास बहू लगी हुई काम पे। तो गाइज अभी हमने बेचारे बुआ को स्पेशल बुलाया कि ब्लाउज फिटिंग करने के लिए। ये मेरा ब्लाउज बहुत ढीला है, मैंने नहान के बाजार में दिया था फिटिंग करने के लिए, पर वहाँ पे उनसे हुआ नहीं तो बोल रहे कि ये नहीं होगा, तो फिर इसलिए अभी बुआ कर रहे हैं एंड मौके में। ठीक है स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है। ओह माय गॉड। ठीक है अभी ये फिटिंग होगा फिर दिखाएंगे आपको। तो गाइज ये बंदे को मैंने बोला था आते हुए शर्ट ले आना, एक फॉर्मल शर्ट मंगा रखा था ऑनलाइन वहाँ पर और वो वहीं पे ही रह गया। अरे मेरे को दिमाग में ये रहा ना क्योंकि मैंने इतनी 3-4 बारी वो लगा चुका हूँ मैं तो मैंने सोचा कि यार वो लगाया तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे वो वीडियो में नहीं आया हूँ मैं उसमें ना। हाँ वो यूनिट में लगाया आपने। वो दिमाग से नहीं लगा मैं ये लेके आया हूँ। लेके कौन सा है ये जो कोई मैच नहीं है? मैंने सोचा था मेरे आउटफिट के साथ मैच होगा आपका शर्ट। वो ज़ारा का है सॉरी ज़ारा 13,000 ही है। अब मैंने बोला चलो पापा के उसमें ढूंढते हैं शर्ट। जाओ ढूंढ दो मेरे को फोटो भेज देना। चलो ना क्या मिल गया? मिल गया है शर्ट। अब ये पहनेंगे नीरज जी। थोड़ा बहुत उसके जैसे ही है। हाँ ब्लैक पैंट सूट करेगा अच्छा करेगा है ना? पता नहीं आप देख लो। अब आप देख लो तुमने तो लेके मुझे यहाँ पूरा वो पसंद कराया पता है। हाँ तो शर्ट तो ठीक है ना। अभी कर रही हूँ मैं मेकअप। मेकअप करने के बाद फिर आपको लुक दिखाऊंगी एंड साड़ी भी दिखाऊंगी कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो गाइज आज मैंने मेकअप आर्टिस्ट बुला रखा है क्योंकि आज मेरे से मेकअप इतना गंदा हो रहा है ना। दीदी का मेकअप देखो कितना मस्त लग रहा है। तो मैंने दीदी का मेकअप देखा, मेरा अपना मेकअप इतना काला लग रहा था, मैंने बोला दीदी आप करो। दीदी ने ऐसा मेकअप किया है कि हाथ देखो और फेस देखो। पर ये कि अभी ये सेट हो जाएगा ना, अभी तो ब्रॉन्जिंग होगा। हाँ सब कुछ होगा अभी सेट हो जाएगा। और मेरे को आई शेडो लगाना नहीं आता अच्छे से तो फिर मैंने दीदी को बोला है। तो अभी फुल लुक करके आपको दिखाएंगे।
तो गाइज मैंने मेकअप कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नहीं किया, मतलब दीदी ने किया है। लिपस्टिक मैंने थोड़ा डार्क लगाया है इस बार, क्योंकि मेरी साड़ी जो है ना बहुत लाइट है। एंड ये जो ब्लाउज़ है फाइनली, मतलब मेरा फिटिंग का हो चुका है। वैसे मैंने ये मार्केट में कल दिया था फिटिंग के लिए, पर वहाँ पर उनको मतलब आलस आ रहा था मे बी, क्योंकि पूरा ब्लाउज़ का ये जो होता है ना हाथ का निकाल के फिटिंग करना होता है। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं होगा, ये आप वापस कर दो ब्लाउज़, ये फिटिंग नहीं होने वाला। मुझे इतना गुस्सा है ना उसकी बात सुन के। फिर आज बुआ आया, बुआ ने कर दिया है, और मैं साड़ी भी दिखा देती हूँ। ये है उसके साथ की साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ। मैंने ये साड़ी ना इसलिए मंगाया था क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्लाउज जो होता है वो सिला हुआ आता है, पर इसमें ये है ब्लाउज आपको सिला सिला मिलेगा। बट साइज इसका 44 आया था, क्योंकि एक ही साइज होता है। ऑब्वियसली जो पतला है वो फिटिंग करके पहनेगा, जो 44 साइज वाला है वो भी पहन सके, तो इसलिए ये 44 साइज में ही आता है। पर आपको फिटिंग आपको खुद करवाना पड़ता है, तो इसलिए तो अभी ये फिटिंग हो चुका है, तो मैं पहन लेती हूँ साड़ी। दशहरे की तैयारी भी हो चुकी है, टीका जमारा पैसा फ्रूट मिठाई। सबसे पहले पापा मम्मी को लगाएंगे टीका। दसाई को धीरे धीरे बधाई छ भाई। हजुला पति धीरे धीरे बधाई छ। आशीर्वाद दो मम्मी को। चलो भाई। डोले खाला था। ध्यान रखी के खा था। चलो। लो भाई, वाह भाई वाह। लो फुटा डोले। भगवान को फदर लगा। मम्मी की दक्षिणा दोना तो पड़ेगा। सही बात है, 500 का नोट निकल रहा है भाई। छोटा दो। कोई नहीं, 500 दे दो। ले ये नोट चेंज कर दिया, अब 100 का नोट दे रहे हैं। ओहो, दीदी और शिवानी की बारी है। एयरलाइन में जल्दी जल्दी तरक्की नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी तरक्की करो। और तरक्की लाओ। शिवानी तो ज्यादा ही भावुक हो गए, सर में ढकने के लिए कुछ नहीं, हाथ रखा हुआ है। नहीं, वो पार चढ़ता है गाइस। कहीं नहीं चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पाप चढ़ता है गाइस। शिवानी है हमारे चाचा की बेटी, इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ना। हाय गाइस, ओहो हैप्पी दशई। ओह वाओ, ऐसा आशीर्वाद दो। आशीर्वाद यह है कि इंटरनेशनल कंपनी में जो है तुम वो ट्राई करो, ये इधर उसमें लोकल उसमें मत बैठे रहो। ठीक है, हैप्पी दशहरा, थैंक यू सो मच भाई। 100 रुपए लोगे, 200 रुपए लोगे, 500 लोगे, यहाँ रखे हुए जितने भी है? जो उठाना उठा लो। मम्मी मम्मी क्या, मम्मी क्या बोलिए, क्या डिसाइड किया आपको? Yeah. पापा हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी चॉइस है, 500 लोगे, 200 लोगे, 100 रुपए लोगे। हाँ, 500 के 5 नोट। 500 वन बाय वन ही निकलेगा। 500 ये। चलो ओ, मिठाई खाएगा। 100 और दे दो, इनका मुंह बन रहा है। 100 और दे दो। दीदी ने इतने जल्दी गॉप करके खाया ना, इनको सौ और दे दो, इनका मुंह बन रहा है। मुंह बन रहा है, सौ सौ और दे दो बोल रहे हैं। मुंह बन रहा, मुंह बन रहा, क्या क्या तो होता है। सौ सौ दीदो और इन अल्लाह मुंह बन। ये दक्षिणा अच्छा फाचे, क्या नाम, 1-1 रुपया भी चल जा। हां हां चल ला, 100 रुपया भी चल ला। चलो भाई, वो 100 और मिल गए। लो 100 और मुंह बोला, और मुंह बोला। नेक्स्ट तो बोलेंगे चलो जाइए भी वापस करो। हम लोग कूल बढ़नु पर्छ, तो हम लोग खुशखबरी पाउनु पर्छ। हमें भी मिल गया 5-5, हम भी मुंह बनाए, हमें भी 100 एक्स्ट्रा मिल गया। तो पिछली बार लामा जी आए थे तो उन्होंने ये दिया था, तब नीरज नहीं थे, तो अभी लगा रहे हैं। ओहो, अभी हम लोग सोच रहे हैं रील बनाने का। हाँ। है ना, वो वाला गाना सुना आपने, फूले दिए का नहीं माँ, उसमें बनाएंगे। ठीक है। हाँ। तो उसके लिए आपको पहले सबसे प्यारा फूल चाहिए, फूल लेके आओ। फिर इसके बाद ये फूल हमने बहुत यूज़ कर लिया। हाँ, है ना, कोई और अच्छा सा देखो। क्या करूँ यार, तुमसे प्यारा कुछ है ही नहीं।
ओ माय गॉड, मैं ही सबसे प्यारी फूल हूँ। वही तो, तुम्हें तो तोड़ने का मन नहीं कर रहा। चल एक्टिंग मत कर, चलना कह रहे, चलना बहुत है यहाँ। हाँ वही ले आओ, पर्पल वाला, पर्पल वाला। मिर्ची नहीं चाहिए भाई, बस रहन दे भाई। तूने जो स्टार्टिंग की फेक तारीफ की है ना मेरी। हाँ ये सही है। यहाँ पे बन रही है पूरी, क्योंकि और सब खाना बना देते, सिर्फ पूरी बचा हुआ था। पूरी तैयार हो के, ऐसे तैयार हो के खाना बनाया जाता है। हैप्पी दसाई। यहाँ पे हमारी चाची, चाची का बेटा, चाची की बेटी, उधर तो बुआ जिन्होंने मेरा ब्लाउज सिला था, उनके बेटे और उनकी बेटी। गाइस ये देखो, ये दोनों इतनी जल्दी खाना खाने पे लग गए। पेट पेट मांगता है भाई, क्या करें। सही बात है, मुझे भी लग गया। और जब मासू, जब तो ये कौन कंट्रोल। चिकन राइस, चलो खाओ यार, मैं और नीरज साथ में खाएंगे। हम बता था अपने को साथ खाओ ना, इसलिए हमने कहा चलो हम तो खा ले। हां कोई नहीं, बस तो बचा मासू, मुझे बचा। सिंपल है ना, सिंपल सिंपल। हां नाइस, हां लविंग इट। अच्छा तुमने खाना खा लिया, अभी नीरज और मैं खा रहे हैं। बिल्कुल। कैसा है खाना? टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, अच्छा है। नीरज पूरी खा रहे हैं, मैं राइस खा रही हूँ। अच्छा हो रहा है ना पूरी भी। अच्छा। पूरी के साथ अभी हम लोग खाते हैं खाना। फैमिली ने तो सेलिब्रेट कर लिया है सपने, और थोड़े बहुत चाची वगैरह, बुआ वगैरह भी आए थे तो उन्होंने भी लगाया टीका। तो अभी जा रहे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। टाइम कितना हुआ, 5 बज गए हैं शाम के। तो अभी देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम है, जो भी रहेगा आपको दिखाएंगे। तो अभी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। और सबसे पहले तो मैं साड़ी उतार रही हूँ, बहुत गर्म हो रहा है। थोड़ा सा कंफर्टेबल सा कपड़े पहन लेती हूँ, एंड हमने फोटोज भी खींचा, रील भी बनाया। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। अरे यार कितना बड़ा धोखा हुआ भाई। जा रहे हैं नीरज, कहाँ जा रहे हैं? वापस बोले संडे है ना, बोले कल जाना बोला, फोन आया तो अभी बुलाया, फोन आया। कल जाने का प्लान था बट अब कॉल आ गया। कल भी सुबह जल्दी निकलना था, कोई नहीं दिखा तो फिर भी सुबह वाली बात अलग होती है। बाय। तो गाइज मैंने फिर से सूट चेंज कर लिया है, क्योंकि मासी आ रखी है टीका लगाने के लिए। दोबारा से मैं वो साड़ी तो पहन नहीं सकती भाई, बहुत आलस आ रहा है दोबारा साड़ी पहनने में। तो मैंने सोचा चलो यही सूट पहन लेती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं टीका लगाने के लिए। मम्मी आशीर्वाद दे रहे अपनी बहन को, भगवान ऐसे ही बोल बोल के तरक्की करते जाना, अगले बरस और लंबी जीव हो जाओ। और बोलना, मासी के 3 बच्चे, उनका नाम पवन है, इनका नाम आकाश है, इनका नाम मेघा है। वो बेटी होती तो वर्षा होता, तो फिर मैच हो जाता हमारे साथ। आकाश मेघा वर्षा अगला साल तू इसे त्यौहार भाई जाओ। ये अपनी बारी में टीका लगाना पाओ सही। अच्छा भगवान तुझे खूब नोट दे, खूब तरक्की दे। यस हैं, बाकी का आशीर्वाद बाद में। तो गाइज अभी यहाँ पर हमारा टीका का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे, अभी टीका वहाँ पे भी लगाएंगे। साबुन रोज जल्दी खुशी दो हम लाई।
ये देखो कितना प्यारा देवर है, काम भी करता है। रोटी घर की बेटियां घूमने गई है। अच्छा हाँ, बेटियां तो दिख नहीं रही। काम करा, जमाना बदल गया है, इसको देख के लगता है लकी होगी इनकी वाइफ जो भी होगी। अच्छा यहाँ देखो काम। हाँ क्या बनाया है बुआ ने आज? आज मैंने बनाया है चिकन, ओहो गोभी, ओहो और चटनी पनीर। ओके मुझे तो सिर्फ चिकन और राइस ही देना। ओके ना यू को लागे से तुमरा तो ये आज जो आदू खूब ठुलो ब्लॉगर बनो, इंडिया को नंबर वन ब्लॉगर बनो। मैं बोलो एक छोटा ब्लॉगर कहां? अच्छा मैंने कहा आप इसको बोल पारी को ब्लॉगर बनना पड़े वाला है, मैंने कहा एक छोटा ब्लॉगर भी सही साथ में असिस्टेंट के लिए। खूब सारे पैसे कमा, वो तो कमा ही देता हूं और ज्यादा डबल और अरबपति बनने दे ले। अरबपति अरबपति बन गया तो पति भी होना पड़ता है। अरे पति बनने के लिए पति की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप आएगा, वो तो नहीं ना कोई पैसे की जरूरत होती है, वो तो अपने आप आएगा दौड़ के जब वो पति बन जाएगी। एक एक दाना मां आशीर्वाद होते तुम्हारे पूरा का। दशहरा का प्रोग्राम भी खत्म हो चुका है और ये व्लॉग भी खत्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।